नमस्कार दोस्तों दोस्तों आखिर ये अपने इंडिया में क्या हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आखिर इंडिया में कौन सेफ है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया में कोई सेफ नहीं है। इसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों, शुभदीप सिंह सिद्धू के बारे में, जिससे जो है सो पूरे दुनिया किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से ये जो है सो प्रसिद्ध थे, तो सिद्धू मूसे वाले नाम से ये क्या थे, प्रसिद्ध थे। जो केवल दोस्तों 29 ईयर्स ओल्ड में, मतलब इस केवल 29 ईयर्स के थे और ये अपना नाम इतना ज़्यादा बना लिए थे जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। मेरा एक प्रश्न है आप लोग से, प्रश्न है कि अपने भारत में कौन ऐसा व्यक्ति सेफ है अभी के इस युग में, अभी जो ये आप 2022 में भी जो जी रहे हो ना, आप ये 21वीं सदी में जो आप जी रहे हो ना, आप मुझे बताओ कि अभी कौन ऐसा व्यक्ति है जो सेफ है। अरे मैं तो इतना कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं है, जो अपने देश को चलाते हैं ना, अपने देश को जो चलाते हैं जिसपे पूरे देश डिपेंडेंट है, जो देश का वास्तविक हेड है प्राइम मिनिस्टर, वो भी सेफ नहीं है। क्योंकि अभी पंजाब में इसी के बारे में आप घटना एक सुने होंगे, जो प्रधानमंत्री खुद जो है सो फ्लाइट पे जो है सो जाते वक्त बोला था कि अपने पंजाब के सरकार को बोल देना थैंक यू कि मैं तुम्हारे यहाँ से मैं क्या जा रहा हूँ, तो जिंदा वापस जो है सो लौट के जा रहा हूँ। यह बात भली भांति आप जानते होंगे कि उस समय में जो है सो जाम लगा दिए थे, नरेंद्र मोदी का जो है सो गाड़ी आगे नहीं जाने दिया था। ये पंजाब का है दोस्तों। मैं इतना आपसे बोलना चाहता हूं कि आखिर आप जरा सोचो कि अभी के इस युग में कौन सेफ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेफ है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। इतने इतने बड़े व्यक्ति को जो है सो दिन दहाड़े क्या कर दिया जाता है, तो गोली से हत्या कर दिया जाता है, दिन दहाड़े गोली से हत्या कर दिया जाता है। और सब कुछ पता होते हुए भी आज से 5-7-8 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पाई, सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई। बहुत सरकार जो है सो मिलने के लिए आया, लेकिन अभी तक इसके हथियारों को जो है सो ढूंढ नहीं पाया। आखिर पुलिस क्या कर रहा है आप ही जरा बताओ। ये जिस प्रकार मूवी में जो है सो क्या कर दिया जाता है, भून दिया जाता है गोली से और निकल जाता है, सेम वही रियल लाइफ में होने लगा। आप बताओ इतने बड़े एक्टर को, इतने बड़े आदमी को, सिद्धू मूसे वाले को, जो केवल 29 ईयर्स ओल्ड में जो है सो ये पूरे दुनिया पे जो है सो वो क्या किए थे, अपना नाम जो है सो बनाए थे, ऐसे व्यक्ति को जो है सो दिन दहाड़े गोली मार के चले जाते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को पता भी नहीं चला कि आखिर वो असली हत्यारा कौन है, असली आदमी कौन है। अभी तक 5 से 7 दिन के अंदर में जो है सो उसको क्या कर दिए रहते, बंद कर दिए रहते, लेकिन अभी तक कोई जो है सो पुलिस का कुछ पता नहीं चला। आप जरा बताओ, जब ऐसे ऐसे व्यक्ति सेफ नहीं है, तो भारत का आम आदमी के बारे में आप जरा सोचो, भारत में कौन सेफ है दोस्तों, कोई सेफ नहीं है। मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस बात पर बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अरे मतलब बहुत सारे अपने लोग बहुत ज़्यादा आंदोलन करते हैं, अभी फिलहाल एक किसान आंदोलन हुआ जो लगभग 1 साल तक जो है सो सभी किसान क्या किए थे, आंदोलन किए थे, और इसके बाद सरकार इसकी मांग जो है सो पूरी किया था कि नहीं। सेम उसी प्रकार इसके लिए भी जो है सो ट्वीट होना चाहिए, कि एक ही बात का ट्वीट होना चाहिए कि सिद्धू मूसे वाले को क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अरे इसको दिन दहाड़े जो है सो गोली मार के चले गया, आप ही जरा बताओ दोस्तों, सोचने वाली बात है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि अब इंसान जिएंगे तो जिएंगे कैसे, कैसे जी पाएंगे, जब ऐसे ऐसे व्यक्ति सेफ नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार के चले जाते हैं, गोली मार के जान से ही मार देते हैं। आप बताओ तो इसके बाद भारत में जो है सो कौन सेफ है, कौन, समझ लीजिए प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं है, ये देश को चलाने वाले भी सेफ नहीं है, तो आखिर ये देश के प्रधानमंत्री इस पे जो है सो इस पे इलीगल एक्शन क्यों नहीं लेता है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है, आखिर ऐसे ऐसे क्रिमिनल को क्यों छोड़ दिया जाता है। दोस्तों अपने लोगों को ट्वीट करना पड़ेगा, आप ही जरा सोचो, अगर आप सही कदम अगर आप नहीं उठाते हो, अगर अपने लोगों को ट्वीट नहीं करते हो, अगर लगभग दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने भारत में 40 करोड़ का आबादी है ना, जिसमें से 100 करोड़ व्यक्ति को जो है सो ट्वीट करना होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरे 140 करोड़ व्यक्ति को जो है सो ट्वीट करना चाहिए कि आखिर ये भारत में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे मुजरिम, ऐसे ऐसे मुजरिम जो है सो खुलेआम जो है सो घूम रहा है, और बड़े बड़े व्यक्ति क्या, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति को खुलेआम गोली मार के चले जाते हैं, तो एक आम आदमी को क्या करेंगे, एक आम आदमी क्या करेंगे, सच बोलने से भी जो है सो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डरेंगे, क्योंकि उसको भी तो डर है अपने ज़िंदगी के लिए कि कोई मुझे क्या कर देंगे, मार देंगे। आप ही जरा सोचो, कुछ समय पहले
जो है सो अपने यूपी का बात ले लो, यूपी में जो है सो बहुत ज़्यादा रेप कांड जो है सो हुआ करता था, लेकिन वहाँ का सरकार जो है सो जगह और उस व्यक्ति को ऐसा सजा देता है सीधा एनकाउंटर मतलब उसे बेमौत मौत मारा जाता है जो इंसान इस प्रकार का काम करते हैं। उस दिन से यूपी में देखोगे आपकी रेप का कांड क्या हुआ है, रुका है। अरे सरकार कुछ करेगी इसके बाद ना जो है सो होगा, मतलब कुछ तो होगा दोस्तों, बदलाव होगा। उस दिन से आप देखिए अभी फिलहाल यूपी में जो है सो रेप सब थोड़ा क्या हुआ, बंद हुआ, हो तो रहा है लेकिन बहुत ही कम जो है सो कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा था। सरकार सीधा अलाउ दिया है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा मौत मारिए जो देख के मुजरिम जो है सो क्या हो जाए, कहाँ उठे, और दोबारा ऐसे गलती करने से कोई भी व्यक्ति सोचे कि अगर मैं ऐसे गलती करूँगा ना तो मुझे भी ऐसे सज़ा मिल सकता है। दोस्तों ऐसे ऐसे व्यक्ति को ऐसे सज़ा मिलना चाहिए, ऐसे सज़ा मिलना चाहिए कि दोबारा मुजरिम होना और दोबारा किसी इंसान को मारने के लिए उसको 10 बार नहीं 100 बार वो सोचे कि अगर मैं किसी इंसान को अगर थोड़ा मार देता हूँ या अगर शरीर में टच कर देता हूँ या कोई अगर गलत कदम मैं उठाता हूँ ना तो सरकार मुझे किस प्रकार क्या कर सकती है, सजा दे सकती है, ऐसे सजा इसको देना चाहिए। लेकिन सरकार आराम से कान में तेल लेके जो है सो बैठ गया है। आप ही जरा सोचो, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार के चले जाते हैं, तो मुझे आश्चर्य लगता है। दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए और ट्वीट जो है सो अवश्य कीजिए अपने सरकार को, नरेंद्र मोदी को जो है सो ट्वीट कीजिए कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, आखिर अपने देश में ये क्राइम कब तक चलेंगे, अगर ऐसे क्राइम अगर चलेंगे तो सोचो कि अपने देश में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कौन क्या है सेफ है। ऐसे में तो हर व्यक्ति जो है सो कोई सेफ नहीं रहेगा, कोई डर से किसी के प्रति आवाज़ कोई नहीं उठाएंगे, सही के प्रति कोई बोलेंगे नहीं अगर ऐसे सिचुएशन रहा, ऐसे कंडीशन रहा तो। क्योंकि दोस्तों दिन दहाड़े जो है सो इस प्रकार अगर गोली अगर मार दिया जाएगा तो आप ही जरा सोचो कि व्यक्ति जो है सो मतलब कहाँ रहेगा, कोई सेफ है कोई सेफ नहीं रहेगा। इसके लिए न्याय चाहिए दोस्तों। मैं एक ही कहूँगा, एक ही बात का जो है सो रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिद्धू मूसे वाले को जो है सो क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों इसका माँ बाप का हाल जाके अभी देखो कि किस प्रकार कैसे जी रहे हो, 5-7 दिन में अगर उसको अगर देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा। अरे कोई क्या जाता है, आपको क्या जाता है या मुझे क्या जाता है कि मेरा कौन गया या आपका कौन गया। अगर जिसका कोई अपना जाता है ना दोस्तों, उससे जाके मिलिएगा, उसका दर्द जो है सो आप सह नहीं सकते हो। अरे जिसका जाता है ना इसके बाद उसको पता चलता है किसी का दर्द। दोस्तों इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए और ट्वीट अवश्य कीजिए। मुझे तो आश्चर्य, मैं तो केवल यही सोचता हूँ कि भारत में अब कोई सेफ नहीं रहा, कोई सेफ नहीं रहा, कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब एक ही है कि अगर इस संसार में अगर आप आए हो ना तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी से प्यार कीजिए, आपस में जो है सो दुश्मनी मत कीजिए। देखिए होता तो किसी व्यक्ति एक को है लेकिन भोगना पूरे फैमिली को पड़ता है। मतलब जरा सोचो अगर किसी व्यक्ति को अगर मार देते हो या कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके माँ बाप पे जो है सो क्या बीतता है, आप जरा सोचो, उसके फैमिली के बारे में भी तो जरा सोचो। इसलिए लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि ऑलवेज मिलजुल के रहिए और सभी से क्या कीजिए, प्यार कीजिए। मैं इतना ही जो है सो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आपस में किसी से जो है सो दुश्मनी लेके लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा। दोस्तों आप जरा सोचिए कि सिद्धू मूसे वाले आप इस दुनिया में नहीं रहे, इसके माता पिता पे क्या गुजर रहे होंगे आप सोच नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो। अभी जाके देखो कि उसके ऊपर क्या गुजरते होंगे, वो यही सोचते होंगे कि मैं क्यों नहीं मर गया, मेरा बेटा अभी आ जाता मैं मर जाता, केवल यही सोचता होगा। लेकिन दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि आखिर अपने भारत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभी के युग में सेफ है। अगर ऐसे दिन दहाड़े अगर गोली अगर मार दिया जाए तो भारत का कैसा सिचुएशन रह जाएगा, जरा आप सोचो। अभी भी पुलिस को कुछ करना चाहिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो है सो पकड़ के गोली मार देना चाहिए, बहुत ही बड़ा सजा देना चाहिए, जो मतलब दोबारा ऐसा काम करने से वो डरे। दोस्तों ऐसे ऐसे व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके अवश्य मुझे बताइएगा दोस्तों कि आपका क्या राय है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।